हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट में। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे कैसे हम किसी भी इमेज को एक टेक्स्ट पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं, पहले ये इमेज कुछ ऐसी थी, हमने इस इमेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है टेक्स्ट पोर्ट्रेट इमेज में। तो देखिए, ये टाइपोग्राफी इफेक्ट बोलते हैं इसको, हमने इस तरीके से इस इमेज को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में इस इफेक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे, कैसे इस इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोटो को ओपन कर लेना है। फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले फ़ोटो की एक डुप्लीकेट जो लेयर है उसको क्रिएट कर लेना है। तो मैंने इस फोटो की एक डुप्लीकेट कॉपी जो है क्रिएट कर ली है कंट्रोल जे से, ठीक है। कॉपी क्रिएट होने के बाद आपको जो है सब्जेक्ट का आपको सबसे पहले सिलेक्शन लेना है। तो मैं यहाँ क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँगा, आप किसी भी टूल का सिलेक्शन टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बस अपने ऑब्जेक्ट का जो है सिलेक्शन लेना है, या जहाँ जहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरे को ये इफेक्ट यहाँ यहाँ तक दिखे, तो खाली उतने एरिया का आप सिलेक्शन लीजिए। जरूरी नहीं कि आप पूरी इमेज का ही सिलेक्शन लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जो है अपना इस इफेक्ट को लगाना चाहते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर सिलेक्शन लगभग मेरा कम्प्लीट होने वाला है। और इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इस इफेक्ट में आपका सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं भी होता ना, तो तब भी कोई आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता कि आपको जो है कहाँ तक जो है ये इमेज में आपको जो है एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। सिलेक्शन अगर नॉर्मली भी होता है इसमें तो तब भी आपको जो है काफ़ी अच्छा आउटपुट जो है यहाँ देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन ले लिया है। अब ये अंदर वाले हिस्से को मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ, तो इसको एक नेगेटिव सिलेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वाला सिलेक्शन आए ना। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज का जो है सिलेक्शन पूरा कम्प्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है कंट्रोल जे। तो अब आप देखिए, हमने जो है इस इमेज के सब्जेक्ट को जो है इमेज से बिल्कुल अलग कर लिया है, ठीक है। अब मुझे इस इमेज पे इस इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसका एक बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं सॉलिड कलर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस कलर को लेता हूँ, जिससे कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ठीक लगे। अब इसके ऊपर मेरे को टेक्स्ट पोर्ट्रेट जो है इफेक्ट डालना है, वो देखते हैं कि इस इमेज को हम कैसे टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी टेक्स्ट टूल की। अब आपको उतने पोर्शन को सिलेक्ट करना है जहाँ तक आप जो है टेक्स्ट देना चाहते हैं। तो मैंने जो है इस इमेज का हिस्सा सिलेक्ट कर लिया है, मैं इतने हिस्से में टेक्स्ट पोर्ट्रेट जो हूँ इफेक्ट देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट को पेस्ट करूँगा, आप अपने हिसाब से किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर खुद राइट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डेमो टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। तो इसलिए मैं टाइप में जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट लोरम इप्सम को पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अपने आप ही टेक्स्ट जो है रैंडम टेक्स्ट आ गया मेरे पास। ये पहले से डेमो टेक्स्ट होता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल पेस्ट कंट्रोल वी कर देता हूँ, जिससे कि जो है पूरी इमेज में पेस्ट हो जाए। अब देखिए, हमारा टेक्स्ट जो है पूरी इमेज में आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ बातों का जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट पे कोई टेक्स्ट अलग से, यानी थोड़ा सा बड़ा दिखे और उसको आप अलग से दिखाना चाहते हैं, तो आप उस केस में यहाँ पे बस उतने टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है, या वहाँ पे आप रीनेम कर दीजिए और उस जगह जो है आप नया टेक्स्ट जो है बड़े फॉन्ट में लिख सकते हैं और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा किया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मैं आपको खाली इस वीडियो में खाली इसका बेसिक बता रहा हूँ, इसके एडवांस ट्यूटोरियल जो है आने वाले टाइम में आप सभी को देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये बेसिक ट्यूटोरियल है, आप इससे सीखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे टेक्स्ट जो है यहाँ लिख लिया है। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसके जो यहाँ पे बाल वाला हिस्सा रह गया है ये भी कवर हो जाए इसमें, तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है पूरा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने इस सभी टेक्स्ट का आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए टेक्स्ट वाली लेयर पर क्लिक कीजिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और इसके थंबनेल पर क्लिक कर दीजिए। बस ये देखिए, सिलेक्शन इसने ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे वाली लेयर पे आना है और यहाँ कंट्रोल जे कर देना है। बस आपका काम यहाँ पे हो गया। अब नीचे वाली लेयर जो है इसने जो है इसकी कॉपी क्रिएट कर दी है, सिर्फ उसी सिलेक्शन में जितना एरिया आपका सिलेक्ट था। तो देखिए, हमारा ये जो पोर्शन है
टेक्स्ट पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो चुका है या ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कलर एनहेंस कर सकें, वो सब मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको इस फोटो में कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो जगह आपको लग रहा है कि यहाँ पे ठीक से मेरे को आउटपुट नहीं दिख रहा है, उन जगहों को आपको रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए आप सभी को डॉस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसका शॉर्टकट ओ है। यहाँ पे इसको यूज़ करने से पहले ध्यान रखिएगा, मिड टोन सेलेक्ट होना चाहिए और एक्सपोजर 50% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रोटेक्ट टोन्स ये इनेबल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ठीक से जो है मेरे को आउटपुट देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे जो हूँ मैं ब्रश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले मेरे को यहाँ अच्छा आउटपुट जो है देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि इमेज ख़राब है, उस जगह जो है आप ब्रश का यूज़ कीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स इस इफ़ेक्ट को बनाने में। आप जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे फ़ोटो के साथ, उतना ज़्यादा जो है आपका माइंड जो है एक अच्छी क्रिएटिविटी जो है डेवलप करेगा, और बाकी फ़ोटोशॉप तो आपके साथ है ही। ठीक है, बस मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता देता हूँ। अब इसके बाद हमें थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट ऐसे ही इमेज जो है आपको अच्छी लग रही है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सेव कर लीजिए। थोड़ा सा अच्छा करने के लिए नीचे वाली लेयर को आप इनेबल कर दीजिए, और इसकी ओपेसिटी जो है 10-18% के समथिंग रखिए। मैंने यहाँ 18% रखी है। ठीक है, और इस वाली लेयर का जो फिल है इसको आपको 50% कर देना है। ठीक है, 52% किया है मैंने यहाँ पे, 52% किया है मैंने यहाँ पे, तो 52% पे मैंने इसका फिल जो है छोड़ दिया है। अब इसके बाद मैं ऊपर वाली टॉप लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिल्टर्स में जाता हूँ। फिल्टर्स में जाने के बाद फिल्टर्स गैलरी पे मेरे को क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे फिल्टर्स जो है देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं फिट इन व्यू कर देता हूँ, जिससे कि मेरी स्क्रीन में अच्छे से फिट हो जाए। अब यहाँ पे जो है मेरे को थोड़े से चेंजेस करने हैं। आप जो है अपने हिसाब से बहुत सारे चेंजेस करके देख सकते हैं कि आपको जहाँ पे आउटपुट अच्छा देखने को मिल रहा है सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दो जगह चेक कर लेता हूँ कि मेरे को जो है कहाँ पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। मैं उस पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा और उसे अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना सिलेक्शन जो है जो इफेक्ट है इमेज का उसको सिलेक्ट कर लिया, और उसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि इमेज जो है एक अलग ही लुक में जो है आपको ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप अपनी इमेज को टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक है फ्रेंड्स ये। आप सभी इसको जो है यूज़ कीजिए, अपनी फ़ोटोज़ में यूज़ कीजिए। ख़ास तौर पर बुक्स वगैरह में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है ये इफ़ेक्ट जो है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक टिप है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें आप गैप कम से कम रखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट जो है यहाँ देखने को मिलेगा। और फॉन्ट जितना आपको थोड़ा मोटा दिखे, ठीक है, वो फॉन्ट जो है यानी बोल्ड टाइप में, वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे जो है परफॉर्म करता है। अगर आप किसी पतले स्लिम फॉन्ट का यूज़ करते हैं और उसमें बोल्ड का ऑप्शन नहीं है, तो फ्रेंड्स आपकी फ़ोटो में जो है एक अच्छा लुक जो है आ नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।